गांव कोड़ा में ग्राम प्रधान की दबंगई से गरीब काफी परेशान है। प्रधान गरीब के मकान को तोड़वाना चाहता है, यदि ऐसा हुआ तो गरीब के बच्चे खुले आसमान के नीचे रात बिताने को विवश होंगे। ग्राम पंचायत कोड़ा के निवासी इमाम हुसैन ने 20 वर्ष पूर्व गांव के बाहर एक छोटी सी जगह में अपना एक कमरे का मकान बनवा लिया था, जिस पर टीन सेट डालकर वह अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रहा है। इमाम हुसैन इतना गरीब है कि कमरे में किवाड़ तक नहीं लगवा सका है। ग्राम प्रधान इमाम के कमरे को ग्राम पंचायत की जमीन बताकर उसको तोड़वाना चाहता है, जबकि इमाम हुसैन इतना गरीब है कि यदि ऐसा हुआ तो उसका परिवार खुले में रात बिताने के लिए मजबूर होगा। हैक्स न्यूज के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? इमाम हुसैन सर। क्या क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? दिक्कत ये सर, ये जो है मकान है हमारा, आबादी है गाँव की, तो यहाँ पे विद्यालय वाले कहते हैं कि हमारा है, और यहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी, ना विद्यालय था, ना कोई था, ना एक शराब का ठेका था, तो ये घास और कूड़े थे यहाँ पे, हमने बना लिए 20 साल पहले ही। अब लोग कहते हैं कि एसडीएम साहब आए करके ऐसे अगर बना दिया तो खसवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और प्रधान जो है कहता है कि तुझे रहने देंगे यहाँ पे, हम ये खसवाऊँगा, और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ लेके भरेंगे, एक 10 साल का है और 5 साल का, एक 3 साल का है। कितने दिन से रह रहे हो तुम्हें? हमें 20 साल के समथिंग हुए ये मकान बना दिया। जब तुम आए तो स्कूल था ना? नहीं, स्कूल नहीं था यहाँ। अच्छा, ये जो बिजली का ये लगा हुआ, ये भी नहीं था? नहीं, ये तो अभी लगा है, 2 साल पहले लगा है। तो जिस जमीन में ये मकान बनाया वो ग्राम पंचायत की जमीन है? हाँ, ग्राम पंचायत की। अब कहते हैं कि स्कूल की है। अच्छा, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, किसी ने नहीं, इसी प्रधान ने किया और किसी प्रधान ने नहीं किया। कितने साल से रह रहे हो? लमसम जो 20 साल के समथिंग, 20 साल हो गए, 17, 18, 20 साल। तो ये प्रधान ही आया था, कोई अधिकारी आया तुम्हारे पास? एसडीएम साहब आए थे, क्या नाम है, एक बार उन्होंने कही थी कि तेना आवाज बना लिया, सालों से तोड़वा दूंगा, प्रधान से कही थी कल फोन तैयार रखना, मैं खसवा दूंगा, उसके बाद अभी नहीं आए। प्रधान तो बार बार कहता है हमसे, जब निकल के जाते हैं डर की वजह से, उधर निकलते भी नहीं जा रहा, हमारा कोई विकास नहीं करा, कोई काम नहीं करा, सब लेटर हैं हमारे घरों में, लेटर हैं, आप खरंजा देख लें, खरंजा हमारे बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है, हमारे पर लेकर हमारे भाइयों के घर में।